नमस्कार, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे CPVC फिटिंग 1 इंची बाथरूम की कैसे की जाती है। ये देखना, पहले इस तरह से इसके अंदर 2 पाइप आएंगे, 1 इनलेट और 1 आउटलेट। ये हमारा एक टॉयलेट है, ये यहाँ पर हम जेट की पॉइंट बनाएंगे, एक टैप, इसके बाद में ये रसोई के अंदर जीरी, यहाँ पर 1 टूटी और 1 शावर, यहाँ पर कॉर्नर वॉश बेसिन। आशीर्वाद का पाइप है जो बढ़िया से बढ़िया आशीर्वाद, अजय फ्लो गार्ड, ऐसे पाइप लगाने चाहिए ताकि जिंदगी में आपको कभी दिक्कत ना आए। ये सब 1 इंची फिटिंग है, 1 इंची यूनियन, 1 इंची वाल, ये आशीर्वाद की सॉल्वेंट, ये कंसील्ड सिक्को कंपनी का, ये 1/2 इंची प्लग, ये 1/2 की ब्रास एल्बो, ये टी, ये 1/2 की ब्रास टी, टेप नन टेप, ये प्लास्टिक की टूटी 2, एक बार टेम्परेरी, ये GI योग। MT के ऊपर टेबलेट है, बिल्कुल सीधी लगाएं, ये 1/2 की MT है, कंसील्ड में टाइट करेंगे हम सावर के लिए और जेट के लिए। यह है बिल्कुल टाइट हो चुकी है दोस्तों, देखना। इसके मर्रे भी अच्छी तरह से साफ कर लें। इसके ऊपर भी तीर के उल्टे सुलटे निशान होते हैं, जहां पर जिस साइड पानी जाना हो उस तरफ तीर का निशान सीधा कर दें। देखना इस तरह से कंसील बिल्कुल फिट आ जाए।
दोस्तों ये हमने जेट के लिए कंसील लगा दिया है। अब टैप का पॉइंट बनाएंगे। टैप का पॉइंट दीवार से 3 फुट या 33 इंच पर आप बना सकते हो, ताकि आदमी सीट यूज करे तो आराम से टूटी पर हाथ आ जाए। जो ब्लेड से काटते हैं, वैसे तो एंड कटर से काटना चाहिए, ब्लेड से काटते हैं ये मर रह जाते हैं, इनको अच्छी तरह से साफ कर ले। इसको साफ नहीं करोगे तो पूरा पाइप ठुकेगा नहीं। ये हमने 42 इंच के ऊपर पॉइंट छोड़ दिया है टैप का, ये 6 इंच ऊपर कंसील्ड, और ये है ना जो अपना डोर लेवल होता है 7 फुट हाइट पर शावर का पॉइंट, ये हमने दीवार से 27 इंच। दोस्तों टंकी की हाइट कम होने के कारण हमने 1 इंच सी पीवीसी फिटिंग कर दी है, ताकि अच्छा प्रेशर बना रहे। जब टंकी की हाइट कम हो तो 1 इंच फिटिंग करनी। ये हमारा जेट का पॉइंट हो गया। हम कंसील्ड ना लगाए तो एंगल वाल भी लगा सकते हैं इसके अंदर। दोस्तों ये हमने खुदाई करके खुदाई के अंदर डाल दिया है। ये नीचे वाला वाटर कूलर लगेगा, एक वाटर कूलर की सप्लाई के लिए है, और ऊपर वाला सप्लाई के लिए, निचला आउटलेट ऊपर वाला इनलेट। दोस्तों वाटर कूलर के लिए है, इसको यहाँ से लोगे। आउटलेट था दोस्तों, देखना हमने पानी की टंकी रख दी है, पानी बहन लग रहा है, टंकी कनेक्शन भी कर दिए, ये गैस पाइप, ये इनलेट, आवर फ्लो, आउटलेट, वाल बंद है अभी, प्लग देखते हैं, प्लग कर रखे होंगे तो अभी पानी खोल देंगे सब पर, चेक करके दिखाते हैं। वो देखना एक मोटर का, एक वाटर कूलर का। देखना दोस्तों ये पानी अच्छा है, ये हमने भी फिटिंग कर दी है, दिखाऊं आपको खोल के, इसके अंदर भी
जब भी फिटिंग करें एक बार है ना फिटिंग को चेक जरूर कर लें। ना कहीं से कोई भी लीकेज नहीं है। दोस्तों देखना आपको नजर ही आ रहा है सब में पानी आ चुका है, कहीं पर भी कोई फिटिंग लीकेज नहीं है। इस तरह से चेक कर ले, मैंने पूरी की पूरी फिटिंग चेक कर ली है। मेरी वीडियो पसंद आई शेयर लाइक व सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।